ओके okay, तो आज जिस स्नीकर के बारे में बात करने वाला हूँ वो है न्यू बैलेंस 9060 इन कोलैबोरेशन विद बोटेगा। एंड आप देख सकते हैं द पेयर इज अमेजिंग। मैं कहूँगा कि ये मिस मत करना आप बिल्कुल भी। सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू द रिव्यू। दिस इज मी अचिन चावला एंड अगर आपको स्नीकर पसंद है तो ट्रस्ट मी आप सही जगह आए हैं। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। So let's go. Okay, तो finally I'm able to do a review on this sneaker. First of all, I have unboxed this. अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करी, आई बटन में जाके आप चेक कर सकते हो। It's a really interesting pair. और उससे पहले I really want to give a shout out to Indent Sneakers for sourcing me this. उन्होंने मेरे को एक हुडी भी दी थी जो मैंने उस वाले अनबॉक्सिंग वाले में उसमें दिखाई है। It's an amazing hoodie. अब तो गर्मियाँ आ गई तो मैं अभी हुडी पहन के बैठ नहीं सकता। मैंने यही कहा था कि इस रिव्यू में पहनूंगा। अब टी शर्ट का मौसम है तो आप जाके उनकी साइट चेक कर सकते हो। आपको बेसिक टीज भी मिल जाएंगी विच आर अमेजिंग। आई एम टेलिंग यू द क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज बैंग ऑन। तो जरूर जाके उनकी साइट चेक करें। मैं लिंक्स ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो जरूर चेक करना। ऑल्सो ही इज अ रीसेलर, बहुत ही जेन्युइन रीसेलर है। आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। तो आप जाके अगर आपकी कोई स्नीकर नीड्स है तो आप जाके कनेक्ट कर सकते हो इंडेंट के साथ। वही मैं आपको सारे लिंक्स नीचे दे दूंगा। सो अब ओपन करते हैं एंड लेट्स गेट इनटू द स्नीकर्स। He got this from Dubai, तो मेरे को stickers भी मिल गए काफ़ी अच्छे अच्छे। I'm gonna use it, बहुत सही stickers आए। तो अब चलते हैं sneakers की तरफ and I really love it। मैं बता नहीं सकता। Oh, let's go। ओके, सो दीज आर द स्नीकर गाइज, दीज आर अमेजिंग। आप देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस होल स्नीकर एंड दिस कोलैबोरेशन। दिस स्नीकर इज इंस्पायर्ड बाय द रेनेसां पीरियड। प्लीज अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ना ठीक कर रहा हूँ मुझे मारना मत। उस टाइम पे जो पेंटिंग होती थी इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। जैसे कि आप देख सकते हैं द कलर्स एंड एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द पेंटिंग। आपको इसके साथ एक कस्टम आर्टवर्क भी मिल जाएगा विच इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द रेनेसां पीरियड। जो वो पेंटिंग्स हैं उससे इंस्पायर्ड है। तो आप देख सकते हैं दिस वॉज द टाइम वेन डिस्कवरी ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड कल्चर वॉज हैपनिंग, हेंस द नेम एज ऑफ डिस्कवरी। सो आई थिंक दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आपको उसके पीछे जो ये दिया हुआ है पूरा पोस्टर टाइप है, उसके पीछे आपको न्यू बैलेंस और बोडेगा का लोगो मिल जाएगा जो उन्होंने कोलैब में कर रखा है। आई रियली लव्ड इट। टू बी ऑनेस्ट आई लव दिस मॉडल एज वेल। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यू बैलेंस मेरे पहली बार मैंने 9060 आई एम रिव्यूइंग इट। सो मैं 9060 के बारे में भी बताऊंगा आपको कुछ कुछ। दिस इज लाइक द न्यूएस्ट पेयर ऑफ न्यू बैलेंस राइट नाउ एंड इट्स अ लाइफ style sneaker. It's not a performance sneaker. It is inspired by 990 series and also 860 V2. Naam wahi se aata hai, 90 aur 60. This is like my favorite silhouette right now. Matlab abhi jo ek New Balance ke ek aur aaya 9060 ke collab bricks and wood ke saath, that's like my favorite one in this. But this is amazing. Jo materials isme used hai, I mean I'm telling you the materials are so good. Main abhi apne jitne bhi sneaker है ना उनसे कंपेयर करूं ये टॉप पे है। ये अभी इसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स के बारे में क्योंकि आई रियली लव द बॉक्स। तो आप देख सकते हो ब्लू कलर का बॉक्स है। ऊपर ऐसे आपको ब्रोकन पिलर मिल जाएगा जिसमें आपको NB लिखा हुआ दिख जाएगा। साइड में आपको दोनों साइड में बोडेगा और रोमन नंबर्स में आपको 2022 लिखा हुआ दिख जाएगा क्योंकि ये दिसंबर 2022 में रिलीज हुए थे। और यहाँ पे आपको सारी इन्फो मिल जाएगी और यहाँ पे न्यू बैलेंस और बोडेगा का लोगो मिल जाएगा। सो यस, दिस वॉज अबाउट द बॉक्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। और आपको दो एक्स्ट्रा सेट ऑफ लेसेस मिल जाएंगे इसके साथ। एक काफी ग्रेइश कलर में है और एक ऑफ वाइट कलर में है।
तो लेस टिप पे भी आपको बोडेगा लिखा हुआ दिख जाएगा, जो आई थिंक ऑफ वाइट आई रियली लाइक, आई विल ट्राई दैट आउट। बट जो लेसेस इसके साथ आते हैं द ब्राउन वन, मेरे को काफी अच्छे लगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द अपर ऑफ द शू। ऊपर की साइड आपको मेश मटेरियल मिल जाएगा, आपको उसके जो साइड में है वो आपको ब्राउन हेरी स्वेड मिल जाएगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं आपको ये साइड में और काफी जगह पे न्यूबक मटेरियल दिख जाएगा, विच इज अमेजिंग। आपको ब्राउन कलर के हेरी स्वेड और दिख जाएंगे, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे परफोरेशंस दिख जाएंगे छोटा सा, एंड लाइट ब्राउन कलर का आपको एक न्यूबक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल दिख जाएगा, आपको एक बड़ा एन लोगो दिख जाएगा, और ये 3M मटेरियल में मिल जाएगा आपको। 3M यहाँ एक आईलेट पे भी दिख जाएगा एक ट्रायंगल टाइप, और आपको ऊपर की तरफ यहाँ जो आईलेट्स की स्टार्टिंग है वहां पे भी दिख जाएगा, जहाँ पे एन एम्ब्रॉयडर्ड है, विच इज रियली नाइस, पर्पल कलर में है। इस साइड पे ऊपर की तरफ जो मैश है, वैसे आप देखोगे तो जो मैश है वो क्लोज मैश है, मतलब बहुत ही छोटे मैश है, दिस इज मोर लाइक अ ओपन वन, आई रियली लव्ड इट। बहुत ही डिफरेंट है ये, जैसे न्यूबक था ब्लू पूरा, पे आपको एन के नीचे जो है वो थोड़ा स्वेड मटेरियल मिल जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा, जो पीछे की तरफ तक कंटिन्यू हो रहा है। आपको साइड पे यहाँ पे एक और हेरी स्वेड मिल जाएगा, थोड़ा ग्रेश टाइप कलर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यही सेम चीज आपको ऊपर मिल जाएगी पीछे की तरफ, वहां पे एनबी का लोगो दिख जाएगा एम्ब्रॉयडर्ड पर्पल कलर में, विच लुक्स रियली गुड, और ये हेरी स्वेड आई रियली लाइक इट। और ऊपर ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये न्यूबक मटेरियल में मिल जाएगा। जो लास्ट वाला आईलेट है उस पे टीपीयू मटेरियल में पर्पल कलर में दिख जाएगा, विच लुक्स रियली गुड। ओके, तो अब चलते हैं मीडियल साइड। तो मीडियल साइड पे थिंग्स स्विच अप, यहाँ पे आपको जो मेश मटेरियल है वो ओपन मेश मटेरियल मिल जाएगा, जो मैंने बताया आपको लैटरल साइड तक कंटिन्यू हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लव दिस ओपन मेश काइंड ऑफ थिंग, काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, काफियों में देखा नहीं है इतना ओपन मेश। आपको जैसे यहाँ पे एन वाला लोगो था आपको 3M मटेरियल में मिला था, यहाँ पे आपको एन ऐसे पूरा एन नहीं मिलेगा, लाइंस मिल जाएंगी एन के शेप में, और वो एम्ब्रॉयडर्ड है, विच आई रियली लव। मीडियल साइड पे इट लुक्स रियली गुड, और आपको पूरा सेम मिल जाएगा बाकी जैसे उधर था। एक और आपको यहाँ पे हील क्लिप मिलेगी ट्रांसपेरेंसी, दिस इज फॉर स्टेबिलिटी, इन माई ओपिनियन इट लुक्स ऑल्सो रियली गुड। तो अब चलते हैं टंग की तरफ। तो टंग में भी आपको ब्राउन कलर के ना अंदर ओपन मैश मिल जाएगा, और ये जो आपको जहाँ से लेसेस क्रॉस हो रहे हैं ये आपको थोड़ा ब्राउन स्वेड में दिख जाएगा, और ये ऊपर तक कंटिन्यू हो रहा है, आपको ऊपर ऐसे ना जो आपको बैक साइड पे दिखा था वैसा सा ही हेरी स्वेड आपको टंग के बिल्कुल ऊपर दिख जाएगा, विच इज अमेजिंग द क्वालिटीज। क्या बताऊं मैं आपको क्वालिटी के बारे में। आपको टंग के ऊपर जूल स्टाइल लोगो मिल जाएगा, जिसमें NB 9060 लिखा हुआ है, और ये फ्लोरेसेंट कलर में है। तो अब बात करते हैं इंसोल की। तो एक बार तो आपको पर्पल कलर का इंसोल दिख जाएगा, जिसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको एनबी और बोडेगा का लोगो दिख जाएगा, बोडेगा येलो में और एनबी ग्रे में। अब बात करते हैं सॉक लाइनर की। सॉक लाइनर फील्स रियली सॉफ्ट एंड कुशनिंग काफी काफी बढ़िया है, सो आई रियली लव्ड इट। बहुत सॉफ्ट है, आई डोंट नो ये मटेरियल कौन सा है, बट इट फील्स रियली गुड। दिस वाज अबाउट द अपर। तो अब चलते हैं मिड सोल की तरफ, जो असली बात है, जो चंकी लुक है इसका, विच इज रियली डिफरेंट। मिडसोल जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ EVA एंड एब्सॉर्ब मटेरियल। तो आप ऊपर अगर देखोगे यहाँ पे जो व्हाइट और जो ग्रेश में, दिस इज EVA मटेरियल। ये जो आप ऑफ व्हाइट कलर में देखोगे, दिस इज एब्सॉर्ब, जो इनकी टेक्नोलॉजी है, विच इज रियली कम्फर्टेबल। आपको इसमें एब्सॉर्ब SBS भी दिख जाएगा, जो यहाँ पे है ग्रे कलर में दिख रहा होगा, एब्सॉर्ब SBS है। सो दिस मेक्स इट अ रियली कम्फर्टेबल स्नीकर्स। तो अब चलते हैं आउटसोल पे। आउटसोल आप देख सकते हैं कितने क्रेजी हैं आउटसोल। सो आपको गम आउटसोल मिल जाएंगे, विच आई रियली रियली लव। आपको ऐसे ट्रायंगल्स दिख जाएंगे बीच में, आपको हर में अलग कलर दिख जाएगा, ऊपर आपको ब्लू दिख जाएगा, नीचे आपको पर्पल दिख जाएगा, यहाँ पे आपको येलो काइंड ऑफ कलर दिख जाएगा, आपको बीच में न्यू बैलेंस लिखा हुआ दिख जाएगा, विच लुक्स रियली गुड। आपको आगे भी एन लोगो दिख जाएगा, और वो भी येलो काइंड ऑफ कलर में है, और जो बैक साइड है आपको देखोगे बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही क्रेजी है। दिस इज रियली फॉर द सपोर्ट। मैनी पीपल आर डिवाइडेड ऑन दिस, पीपल लव दिस, पीपल हेट दिस। इन माई ओपिनियन ऐसे अगर इन हैंड देखूं तो इट डजंट लुक गुड, बट मैंने ऑन फीट देखा था
and I really loved it. So this was about the materials and everything. अब चलते हैं मेरे opinion की तरफ. ये silhouette ऐसा है कि people will love or people will hate. There's no in between. These are so crazy. Best thing is that this collaboration is so good. Bodega और New Balance के collab बहुत पहले भी आए हैं. They flew under radar. बहुत लोग miss कर जाते हैं. And I really think that they deserve more. This pair is really underrated. JFG one, the Joe Fresh Good ones, was really hyped and people still know about it. But मुझे लगता है Bodega one is so underrated and किसी को पता नहीं है ज़्यादा. मेरे को लगता है India में काफी कम pairs हैं. I really wanted to bring this pair and talk about it. 9060 is right now my favorite silhouette. I'm really loving the collaboration on it. The Bricks and Wood one. अगर कोई मेरे को source कर सकता है, let me know. Instagram पे आप DM कर सकते हो. एक बार ना इसको पहन के देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक. तो पहने हुए आपने देख ही लिए होंगे. इट लुक्स अमेजिंग. लेट मी टेल यू दिस, दिस इज लाइक रियली कंफर्टेबल. मैं बता नहीं सकता, काफी कंफर्टेबल लगे मुझे ये. दिस is a new silhouette from New Balance. I was expecting comfort from it. जैसे मैंने आपको बताया, absorb technology तो use हो रखी है, plus absorb SBS भी use हो रखा है, plus EVA foam भी है. अंदर से भी अच्छी है cushioning. On feet experience is really good. अगर sizing की बात करूँ तो आपको इसमें 2-2 size ही fit होगा. बाकी New Balance के थोड़े different है, but for 9060 it is 2-2 size. तो अब बात करते हैं मेन चीज के बारे में, जो कि है इसका प्राइस. इंडिया में तो रिलीज हुए नहीं थे. जो इसका वैसे रीसेल प्राइस है जितना मैंने यहाँ पे देखा है, वो 35 के अराउंड जा रहा है. कुछ लोग जो दुबई गए थे उन्होंने कॉप किए होंगे, तो यहाँ पे आपको पेयर्स मिल जाएंगे. बहुत ही कम पेयर्स हैं टू बी रियली ऑनेस्ट, इसलिए द प्राइस इज दिस. क्योंकि मोस्टली जितने भी न्यू बैलेंस के कोलैबोरेशन हैं, that is in this range only, 35 to 40. This was about the price. I hope you like this video. आपको मेरी पुरानी videos यहाँ पे दिख जाएंगी और आपको यहाँ पे एक subscribe का button दिख जाएगा, तो वो ज़रूर दबा के जाना ताकि आप ऐसी videos कभी ना miss कर सकें. मैं मिलूँगा आपको next video में.